सकते हैं जिनका रोल आपके प्री और मेंस दोनों ही जगहों पे आपके उन विषयों का होता है। ऐसे कुछ जो विषय हैं वो हमने यहाँ पर रखे हैं। आइए, आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर प्री का और मेंस का। अभी मैं एनसीईआरटी पर नहीं आया हूँ, बात में आपके पास कुछ माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा रोड पर शॉप है तो थोड़ा सो लेता है। तैयारी की शुरुआत में सबसे पहले आपके पास ये कुछ किताबें होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एक सिलेबस की बुक होनी चाहिए। नमस्ते दोस्तों, मैं आपके लिए हमेशा वीडियो लेकर के आता रहता हूँ और राजेश बुक स्टोर पर भी आता रहता हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं, भैया हमने यूपीएससी की तैयारी शुरू की है या फिर करना चाहते हैं और बेसिक के लिए मुझे एनसीईआरटी चाहिए, कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, हमें ज़रूर बताइए। आज हम फिर से राजेश बुक स्टोर पर आए हैं और हमेशा आते रहते हैं। राजेश सर, आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते, आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बहुत सारे नए स्टूडेंट की डिमांड ये है कि हमें एनसीईआरटी चाहिए, हमने अभी यूपीएससी की तैयारी शुरू की है या फिर अभी हम फर्स्ट ईयर में हैं या फिर हमने पहले तैयारी की थी लेकिन एनसीईआरटी हम नहीं पढ़ पाए थे, हमें कहीं से नहीं मिल पाई थी। जब हमने थोड़ा सा यूट्यूब पे देखना सर्च किया तो पता चला कि यहाँ मिल सकती है, तो क्या प्रोसेस है जिसके जरिए वो आपसे मंगा सकेंगे और ये कौन कौन सी एनसीईआरटी है, क्या वही है जो यूपीएससी की तैयारी के दौरान काम आती है, थोड़ा आप विस्तार से बताइए। जी, जहाँ तक से सवाल है एनसीईआरटी का, तो सबसे पहले तो आपने जो बीच में बोला आपने कि कई सारे ऐसे लड़के बताते हैं कि उन्होंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, बाद में आके फिर से एनसीईआरटी पढ़ना स्टार्ट किया उन्होंने, या ऐसे कई सारे स्टूडेंट हैं जो जिन्हें ये मालूम ही नहीं है कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना ज़रूरी भी होता हमारे लिए। तो मैं आप सभी के लिए मैं बता दूँ कि एनसीईआरटी पढ़ना सबके लिए ज़रूरी होता है, सभी के लिए। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है, आपके पास उसकी पूरी नॉलेज है, बात अलग है, मगर अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आपको एनसीईआरटी पढ़ ही लेना चाहिए, बहुत ही काम की चीज़ है, बहुत ही ज़रूरी है। अब बात यह है कि एनसीईआरटी में हमें कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है और क्या सिर्फ एनसीईआरटी वैसे ही लेकर पढ़ ले तो काम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि एनसीईआरटी पढ़ने से पहले आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, ज़रूरत इस बात की है कि आप उसके सिलेबस के सार को समझें। सिलेबस क्या कहता है, तैयारी हमेशा आपको सिलेबस को देखते हुए करनी चाहिए, यानी आपके पास पहले एक सिलेबस की बुक होनी चाहिए, आप उन्हें अच्छे से पढ़ें, समझें, जानें, और उसके बाद आप अपने एग्ज़ाम के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, जैसे यूपीएससी स्टेट बीसीएस के, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लें। इसलिए मैंने ये चार किताबें अलग से रखी हैं कि तैयारी के शुरुआत में आपके पास कुछ माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा रोड पे शॉप है तो थोड़ा सो लेता है। तैयारी की शुरुआत में सबसे पहले आपके पास ये कुछ किताबें होनी चाहिए, जैसे कि आपके पास एक सिलेबस की बुक होनी चाहिए। सिलेबस की बुक से फ़ायदा आपको ये होगा कि आपको अपने जो पाठ्यक्रम है उसकी समझ बनेगी और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको पढ़ेंगे, नहीं तो आप सब कुछ पढ़ते रहेंगे, है ना, समय उसमें व्यतीत होता है और आपके पास समय की ही कमी है। आप अपनी चीज़ों को सिलेबस के हिसाब से पढ़ें। पहली बात, सिलेबस में दो सिलेबस आते हैं, एक माइक्रो होता है जैसे कि ये और एक नॉर्मल जैसे कि ये। नॉर्मल में आपको सिलेबस की समझ बनती है लेकिन उसके अंदर की चीज़ें नहीं समझ में आती, कौन कौन से टॉपिक है वो आपको अंदर की चीज़ें यहाँ से मालूम चलेगी, ये टॉपिक वाइज है, माइक्रो टॉपिक में है। ये तो बात होगी सिलेबस की, तो सबसे जरूरी चीज़ होगी सिलेबस की बुक। उसके बाद आपके पास होना चाहिए प्रीवियस ईयर प्री का और मेंस का। अभी मैं एनसीईआरटी पर नहीं आया हूँ, अभी मैं एनसीईआरटी से पहले जो जरूरी किताबें हैं जो ज़रूरी मानी जाती हैं मैं वहाँ पे हूँ। इनमें मैंने कहा कि चार प्राइमरी किताबें होती हैं जिनमें से एक होगी सिलेबस की, इसमें मैंने दो किताबें दिखाई, और दूसरी ये प्रीवियस ईयर प्री की और प्रीवियस ईयर मेंस की। आपने जो सिलेबस को फाइंड आउट कर लिया कि ये अपना एरिया है जिसमें हमें रहना है और यही हमारा पाठ्यक्रम है, तो अब उस पाठ्यक्रम से सवाल कैसे पूछे जाते हैं, यानी जो सिलेबस है आपका, सिलेबस से सवाल किस तरह से आते हैं, डायमेंशन कैसा है आपके सिलेबस का, सवालों का डेप्थ क्या है, किस डेप्थ में सवाल पूछे जाते हैं, इनकी इंटरलिंकिंग कैसी है, इन सारी चीज़ों को जानने और समझने के लिए आपके पास प्रीवियस ईयर प्री का और मेंस का होना अनिवार्य है। ठीक है, जब प्रीवियस ईयर प्री और मेंस का आप लेकर के पढ़ेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि हमें नोट्स कैसे बनाने हैं, हमारी स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए, समझ में आ रहा ना। सिलेबस और प्रीवियस ईयर को देख के ही रणनीति बनाई जाती है, इसी को तो स्मार्ट स्टडी कहते हैं, जो बहुत सारे टॉपर टीचर कहते हैं कि स्मार्ट स्टडी यही चीज़ होता है कि आप पहले पाठ्यक्रम को देखें, उनसे आए हुए सवालों का 10 5 10 सालों का विश्लेषण करें
और जिस तरह से सवाल पूछे जा रहे हैं उस हिसाब से आप अपने टाइम का एलोकेशन करें, समझ में आ रहा है, और उनमें आपको प्रॉपर रिविजन और प्रैक्टिस और साथ ही साथ नोट्स बनाने का समय का भी उसमें जगह बनाए। तो ये हो गए PYQ, प्रीवियस ईयर प्री और मेंस। ये दूसरी अनिवार्य किताब है जो दूसरी और तीसरी अनिवार्य किताब है जो आपके पास होना चाहिए, यानी सिलेबस और प्रीवियस ईयर प्री का, प्रीवियस ईयर मेंस, तीन किताबें हो गई। और एक हो गई एटलस, ये अनिवार्य किताब है आपके भारत के जो राजनीतिक पहलू है या जो भौगोलिक स्थिति है इसको जानने और समझने के लिए, भारत और विश्व के इन दोनों चीजों को जानने समझने के लिए ये किताब आपके पास अनिवार्य रूप से होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि वो एनसीईआरटी के सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं जो आपको पढ़ने चाहिए और उनमें क्लासेस क्या होनी चाहिए, कौन सा चीज़ ओल्ड से पढ़ना चाहिए, कौन सा न्यू से पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को किस क्लास से किस क्लास तक का पढ़ना चाहिए। जब हम एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में हम उन्हीं विषयों को पढ़ते हैं, यानी हम मुख्यतः उन पर ध्यान देते हैं जिनका रोल आपके प्री और मेंस दोनों ही जगहों पर आपके उन विषयों का होता है। ऐसे कुछ जो विषय हैं वो हमने यहाँ पर रखे हैं, आइए हम उन्हें दिखाते हैं। तो पहला वो विषय है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसमें टोटल आपको 6 से 12 से पढ़ना चाहिए। कई बार लड़के 9 से 12 पढ़ते हैं, आप ऐसा गलती ना करें। 6, 7, 8 में किताबें बहुत ही पतली होती है। देखिए शिवम भाई, देखिए ये तीन किताबें कितनी पतली हैं, इन्हें पढ़ने में समय ज्यादा लगेगा, नहीं लगेगा, पतली हैं, लेकिन ये बहुत ही काम की होती है, आप ऐसी गलती ना करें। ये 6, 7, 8 की ज्योग्राफी आपको और भी जो बेसिक की चीज़ें वो समझाएगी बताएगी। जब आप बेसिक ही बेसिक पढ़ रहे हैं, जब आप एनसीईआरटी बेसिक के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूरत इस बात की है कि आप एनसीईआरटी को बेसिक से पढ़ें, शुरुआत से पढ़ें। शुरुआत 6 से होता है, इसलिए मैंने कहा ज्योग्राफी 6 से 12 पढ़ें। टोटल 9 किताबें हैं, ये आपको ज्योग्राफी में बहुत ही सक्षम बना देगी। एनसीईआरटी पढ़ने से आपको मुख्यतः 2 लाभ होता है। पहला लाभ होता है आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होता है, आपके विषय पर समझ अच्छी बनती है, और दूसरा ये होता है कि जब आप स्टैंडर्ड पढ़ेंगे तो स्टैंडर्ड पर लगने वाला समय कम लगता है। जैसे कि आप डायरेक्ट स्टैंडर्ड पढ़ते हैं तो समय काफ़ी लगता, और साथ ही साथ समझ उस तरह की नहीं बनती जिस तरह की इससे बनती है, इसलिए एनसीईआरटी को पढ़ा जाता है। तो आपको यहाँ पर 2 लाभ होते हैं। ज्योग्राफी 6 से 12 आपको पढ़ना है और वो नई एनसीईआरटी से बेहतर रहेगा आपको। और ये है पॉलिटी। पॉलिटी भी आपको 6 से 12 पढ़नी चाहिए। एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ते हैं, अगर आप पॉलिटी 6 से 12 पढ़ते हैं या बाकी विषय को भी पढ़ते हैं, तो जब आप मेंस लिखते हैं ना, मेंस में आपको मेंस लिखने की एग्ज़ाम है, तो वहाँ पर आंसर राइटिंग स्किल की बहुत महत्ता होती है। इसके लिए ज़रूरत इस बात की है कि आपके पास बेहतर कॉन्सेप्ट हो, साथ ही साथ आपके पास शब्दकोश का भंडार हो। शब्दकोश और कॉन्सेप्ट दोनों के दोनों चीज़ें आपको एनसीईआरटी से बनती हैं, समझ में आ रहा ना। ये एक लाभ भी आपको वहाँ पर मिलेगा। पॉलिटी भी आपको 6 से 12 पढ़नी है, इससे आपको मेंस में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बहुत काफ़ी लाभ मिलेगा। इकोनॉमी 9 से 12 पढ़नी होती है, 9 से स्टार्ट भी होती है, लेकिन इकोनॉमी में माइक्रो नहीं पढ़ना होता है। 12th में मैक्रो माइक्रो दो चीज़ें होती हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। आपको समष्टि पढ़नी है, व्यष्टि नहीं पढ़नी है, वो सिलेबस का हिस्सा नहीं है। बेसिक समझ की जरूरत जो होती है वो आपको 12th के पहले चैप्टर से हो जाता है माइक्रो के बारे में। उसके अलावा सोशियोलॉजी, सोशियोलॉजी में आपको बस यही 2 टॉपिक पढ़, 2 किताबें पढ़नी है, 12th की भारतीय समाज और सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ये 12th की 2 किताबें हैं। ये आपके GS पेपर 1 भारतीय समाज और GS पेपर 2 सामाजिक समस्याएं, यहाँ पर इन दोनों किताबों का यूज होगा, इसलिए इसे लेके पढ़ा जाता है। आगे साइंस पे आते हैं। अगर आपका UPSC का एग्ज़ाम देते हैं, आप UPSC की तैयारी करते हैं, तो सिर्फ 9 और 10 की साइंस लेकर पढ़ें। लेकिन अगर आप UPSC के साथ साथ स्टेट PCS की भी तैयारी करते हैं तो फिर आप साइंस को 6 से 10 लेके पढ़ें, आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। और 12th की सिर्फ एक पतली सी जीरोक्स कॉपी हम लोग देते हैं, इतने सब का काम हो जाता है, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर को समाहित किया गया है और केवल 4 चैप्टर ही आपको पढ़ना चाहिए। ये बायोलॉजी के जो 4 चैप्टर हैं ये आपके इन्वायरमेंट में काम आते हैं, इसे कहते हैं क्लास 12th बायोलॉजी के लास्ट 4 चैप्टर, और ये आपके इन्वायरमेंट के लिए पढ़े जाते हैं, और केवल 4 चैप्टर ही पढ़ना है आपको, पूरी नहीं। बाकी ये है आपकी 11th क्लास की फाइन आर्ट, इसमें 2 किताबें आती हैं, 11th और 12th, आप चाहें तो दोनों पढ़ सकते हैं। 11th ज़्यादा अनिवार्य है इसलिए मैं 11th दिखाऊँ, बाकी 12th ही पढ़ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया चीज़ है वो। इसके अलावा हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें मैंने नई एनसीईआरटी से दिखाई, और ये है आपकी हिस्ट्री जो कि मैं आपको ओल्ड से दिखा रहा हूँ। तो हिस्ट्री आपको ओल्ड से पढ़ना बेहतर होता है, बाकी विषयों को न्यू से पढ़ना बेहतर होता है,
इसलिए मैं आपको हिस्ट्री ओड से दिखा रहा हूँ। हिस्ट्री ओड से दिखाने के पीछे दो रीजन है। पहला, वर्तमान सरकार ने हिस्ट्री के बहुत सारे चैप्टर को सिवन जी हटा दिए, बहुत सारे चैप्टर को, लेकिन वो चैप्टर अभी भी हमारे सिलेबस के लिए महत्वपूर्ण है, है ना। तो चूंकि वो चैप्टर तो कवर करना है तो वो नई वाली से नहीं हो पाती। तो सर ये प्रिंटेड है, कैसी है ये? हाँ, ये जीरोक्स में है, तो इसलिए इसे ओल्ड से पढ़ा जाता है। लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी जो कि 2005 से पहले चलती थी वो वाली है, और ये जीरोक्स में होती है, ठीक है। तो एक तो लाभ ये है कि इसमें चैप्टर आपके नहीं छूटेंगे, जो कि नए अभी वर्तमान में जो चल रही है इसमें चैप्टर हट गए हैं, लेकिन इसमें वो सारे चैप्टर हैं, तो आपका काम हो जाएगा। और दूसरा लाभ ये है कि इसमें आपने सुना भी होगा आर एस शर्मा, सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, अर्जुन देव, ये सारे बड़े बड़े राइटर हैं, इनकी किताबें स्टैंडर्ड में बहुत ज़्यादा पढ़ी जाती हैं, वो चारों किताबें इसमें ऑलरेडी शामिल हैं, है ना। तो ये लाभ ये भी होगा कि आगे चल के आपको इसकी स्टैंडर्ड बुक नहीं लेनी पड़ेगी, इस तरह से देखें। तो इसीलिए हिस्ट्री को ओल्ड से पढ़ा जाता है, इस तरह से आपको दो तीन लाभ इसमें मिलते हैं आपको। हालांकि ये जीरोक्स में होता है, जीरोक्स में होता है तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखेगा ऐसे, है ना। पर कोई दिक्कत नहीं है, पेपर हो या टीचर हो, आपने कई सारे पेपर टीचर का देखा होगा, सब लोग इससे पढ़ते हैं, है ना, तो कोई समस्या नहीं है। थोड़ा सा मैं इधर भी किताबों को दिखा देता हूँ, मैंने मुख्यतः आपको समझाने पर फोकस किया, यही ज़्यादा ज़रूरी होता है। वो बाकी चीज़ें तो किताबें आपके पास जाएंगी तो आप देख ही लेंगे, पर ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आपको इन चीज़ों के बारे में समझाया जाए कि आपके लिए क्या ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है, साथ ही साथ इसका इस्तेमाल आप कैसे करेंगे। तो मैंने आपको सारी चीज़ें इसमें बताने का कोशिश किया, इस्तेमाल का तरीका भी बता दें। तो आपके पास सिलेबस की दो किताबें हैं, शुरुआत में मैंने बताया था सिलेबस से टॉपिक उठाएं और उसे आप अपने एनसीईआरटी में जाएं और वहां पर आपको इंडेक्स से चीज़ें मिल जाएंगी और वहां से सिलेबस से टॉपिक उठा करके पढ़ते जाएं, फिर टॉपिक दूसरी टॉपिक उठाएं, फिर से आप सिलेबस के अकॉर्डिंग और वहाँ एनसीईआरटी में देखें और वहां से इसे पढ़ते जाएं। ये राजेश बुक स्टोर है, यहां का नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, यहां पर हमारी पूरी टीम है, वो आपको इसके बारे में अच्छे से समझा देंगे, बता देंगे, और अगर आपको मंगाना है तो घर बैठे पहुँचा भी देंगे। ऑल ओवर इंडिया ये तो एनसीईआरटी है, बाकी स्टैंडर्ड वगैरह जो स्टैंडर्ड बुक्स होती हैं, अगर आपको नहीं मालूम है इसकी पूरी लिस्ट है यहाँ पे, वो भी आपको दिखा दी जाएगी, बता दी जाएगी, आप उसे भी मंगा सकते हैं, या टेस्ट सीरीज मैगजीन या कोई नोट्स वगैरह लेना हो ऑप्शनल वगैरह के लिए मटेरियल, तो वो भी आप मंगा सकते हैं यहाँ से।